हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको एरिया बिटवीन टू कर्व का जो है पूरा कंसेप्ट बताऊंगा। यदि आप ये क्लास पूरा अटेंड कर लिए तो आपको जो है एरिया बिटवीन टू कर्व के बीच में कभी जो है आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होगा और परेशानी नहीं होगी और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं एरिया बिटवीन टू कर्व, यानी दो कर्वों के बीच का क्षेत्रफल, यानी दो कर्व है दोनों कर्व के बीच का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसी की बात करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है और क्वेश्चन है y बराबर एक्स स्क्वायर और x बराबर वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो पाराबोला के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। कभी कभी बोल देगा दो वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल निकालिए, कभी कभी कोई एक कर्व दे देगा, दूसरा कर्व बोलेगा दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालिए। यानी यहाँ दो कर्व, यानी कर्व का आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए। जैसे देखिए, आपको मैं बताया था कि y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ और x बराबर वाई स्क्वायर का ग्राफ के बारे में। एक्स स्क्वायर बराबर जब y है तो y पर लीनियर इक्वेशन है, y पर घात एक है, इसीलिए ये इक्वेशन कहाँ जाएगा, y एक्सिस पर कर्व करेगा, यानी ये y एक्सिस के अनुदेश होगा, यानी इसका फिगर ऐसे बनेगा। ठीक है, अब है ये x बराबर वाई स्क्वायर, घात किस पर एक है, x पर, तो ये कहाँ जाएगा, x एक्सिस के अनुदिश जो है घूम जाएगा, तो x एक्सिस के अनुदिश इस टाइप का घूम जाएगा। अब देखिए, दोनों के बीच एक एरिया बचा और दोनों के बीच जो एरिया बना उसी एरिया का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। दोनों के बीच का एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, यानी यही जो एरिया बन गया है इसी का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना इस टाइप का। ये जो एरिया बन गया इसी का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, इसको समझते चलिए अच्छे से। देखिए, सबसे पहले ये तो मूल बिंदु होता है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। देखिए, अब ये दोनों इक्वेशन से एक काम कीजिए, x और y का निकालिए, एक्स स्क्वायर बराबर वाई या वाई स्क्वायर बराबर x, इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर वाई या y का मान जब देंगे तो क्या आ जाएगा, y का मान अगर देते हैं तो रूट x हो जाएगा, अगर एक और स्क्वायर कर देते हैं तो वो भी गायब हो जाएगा, कितना आ जाएगा, x के पावर 4 बराबर x, x इधर ले लेंगे, x के पावर 4 माइनस x बराबर 0, x कॉमन ले लीजिए, x के पावर 4 माइनस 1 बराबर x पावर 3 माइनस ये 0, तो x बराबर 0 आ जाएगा, एक x बराबर 1 आ जाएगा, एक x बराबर 0 और एक x बराबर 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये 0 0 जब हुआ तो ये क्या क्या हो जाएगा, 1 1, यानी x का मान भी 1 और y का मान भी 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, पहला काम है ग्राफ बनाना। जितना बेहतर से अच्छा से ग्राफ बना सकते हैं उतना अच्छा से पहले डायग्राम खींच लीजिए। दूसरा काम, लिमिट दे दीजिए, जहाँ जहाँ कटिंग पॉइंट मिला उस कटिंग पॉइंट का लिमिट जो है निकाल लीजिए, तो उस कटिंग पॉइंट का लिमिट जो है डाल दिए। ठीक है, अब जो है बहुत इंटरेस्टिंग बात है समझने के लिए, ये बच्चे यहीं पे आकर गलती करते हैं, वो क्या है, वो ये है कि जैसे देखिए, ये जो है ऊपर वाला जो ग्राफ है ना, ये किसका ग्राफ है, ये है वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, क्योंकि ये कैसे समझे कि y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, क्योंकि y के पावर एक है, इसीलिए y एक्सिस की तरफ गया और ये x एक्सिस की तरफ गया है। इसको तनी और ठीक से कर लेते हैं, ये x एक्सिस की तरफ गया है तो ये इसका ग्राफ का नाम क्या होगा, x बराबर वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे ऊपर वाला ग्राफ कौन है, सबसे ऊपर का ग्राफ, वो ग्राफ में से निचल का ग्राफ क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। कहने का मतलब, सबसे ऊपर वाला ग्राफ है ये, इसके जो है इसके छाया जो बनेगा इसका अगर डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल दे तो एकर नीचे जितना रहेगा सब का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, ये इसके नीचे जितना रहेगा सब का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी इससे नीचे का सब क्षेत्रफल जब निकल जाएगा, लिमिट लेंगे 0 से 1, आ 1 लेंगे तो 1 के तक निकलेगा ये दोनों से नीचे, और उसमें से क्या करेंगे, निचलका वाला ग्राफ को क्या कर लेंगे, घटा देंगे, और जैसे ही घटा देंगे तो दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कहने का मतलब है, कोई लिमिट अगर a से b तक है, इसको बोलते हैं fx प्लस gx और dx, कभी प्लस करना पड़ता है कभी माइनस करना पड़ता है, यही दो कर्वों के बीच का क्षेत्रफल का जो है बात होता है। यानी पहला कर्व में से दूसरा कर्व या तो घटाना पड़ेगा नहीं तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो कर्व है ये आपको यहाँ से यहाँ तक जगह छेक रहा है, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक जगह छेक रहा है, पूरा ऐसा जो है जगह छेक रहा है। अब उसमें से किसको घटाना पड़ेगा, ये वाला चीज को घटा देना पड़ेगा, जैसी ये चीज को घटा देंगे तो जो घेरा हुआ क्षेत्र है उसी का क्षेत्रफल निकलेगा।
बात समझ में आए, फिर से एक बार बोल देते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ से लेके सब का क्या करना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा, ये पूरा का क्षेत्रफल। अभी आप इससे पहले जो है मैं इसके बारे में बताया हूँ कि पूरा का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो पूरा का क्षेत्रफल निकालने के लिए कैसे करते हैं, जीरो से लेके हाइएस्ट वैल्यू कितना है, अगर वाई डी एक्स लिखते हैं वाई डी एक्स, तो कौन से कर्व से बटा हुआ, तो ये है एक्स बराबर वाई स्क्वायर से बंधा हुआ, तो यहाँ पर वाई का मान उसी का देंगे, तो जीरो से लेके कहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू है, एक तक, तो जीरो से लेंगे एक, और y का मान यहां क्या आएगा, तो y का मान आ जाएगा रूट अंडर x, क्यों दिए, अब बोलिएगा y बराबर x स्क्वायर काहे नहीं डालेंगे, तो देखो ना भाई यहां जो है इसका कोई काम ही नहीं है, ये वाला ग्राफ का कोई काम ही यहां नहीं है, यहां कौन काम किया है, कौन ऊपर से छतरी बनाया है, ये वाला x बराबर y स्क्वायर छतरी बनाया, तो जिसका छतरी रहेगा उसी का ना इक्वेशन देंगे, है तो यहाँ पे जो है y का मान जो है कितना देंगे, y का मान देंगे रूट एक्स, क्या देंगे रूट एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू दिए जीरो से एक तक, आपको समझ में आ गया होगा ये बात। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे ये वाला छतरी वाला बात, ये वाला ग्राफ का ये छतरी, अब ये छतरी के नीचे कौन कौन है, तो ये छतरी के नीचे ये सब है, ये जो लंबा लंबा खारा था ये सब है इसके छतरी के नीचे, इसको अगर घटा दे यानी मिटा दे, तो इसको मिटा देंगे तो फिर बच कौन जाएगा, देखिए बचेगा कौन, घेरा हुआ भाग सिर्फ बचेगा, यानी इसी में से किसको घटाएंगे ये वाला छतरी, यानी y बराबर एक्स स्क्वायर वाला को घटा देंगे, लिमिट देंगे सेम जीरो से लेके एक तक, y dx, y का मान देंगे, y का मान यहाँ से पकड़ के लाएंगे एक्स स्क्वायर को और dx दे देंगे, ये हो गया इसका क्षेत्रफल, ये ऊपर वाला का क्या हो गया क्षेत्रफल, जो हमारे पास क्षेत्रफल निकालना है उसी का क्षेत्रफल ये निकला, ये है अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल, अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल, तो अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल निकल गया ऐसा। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं कितना होता है, रूट एक्स का 2/3 और एक्स के पावर में 3/2 है ना, ये जानते हैं ना, एक्स के पावर में 1/2 है, एक जोड़ते हैं उसी के बटा में आता है, तो 2/3 एक्स के पावर में 3/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालेंगे, जीरो से लेके एक तक, माइनस एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यू बटा तीन, इसका भी लिमिट डालेंगे जीरो से लेके एक तक, सबसे पहले कॉन्स्टेंट है उसको बाहर खींच कर हटा दीजिए, x का वैल्यू 1 दीजिए, 1 के पावर में 2/3 माइनस 0 के पावर में 2/3/2 देंगे माइनस, अब यहाँ 0 से लेके 1 तक 1 दीजिए वैल्यू, लिमिट को कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, 1 के पावर में 3 माइनस 0 के पावर में 3, जब भी ऐसा बात करें तो यहाँ पर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 2/3 और माइनस 1/3 बराबर LCM लेंगे 3, तो 2 में से 1 चल जाएगा, तब बचेगा अकेला 1/3 यूनिट स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से आप जो है दो कर्वों के बीच का एरिया आप निकाल सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले आप बात याद रखिए, सबसे पहले जो इक्वेशन देले रहेगा उस इक्वेशन का क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, और दोनों इक्वेशन से क्या निकाल लेंगे, लिमिट का वैल्यू निकाल लेंगे, किसका, लिमिट का, जैसे मैंने 0 0 तो यहाँ पता ही है, और 1 1 निकाल लिया, इधर सॉल्व करके निकाले ना 1 1, तो वही लिमिट का वैल्यू निकाल लेंगे। अब याद रखना है सबसे ऊपर का वाला ग्राफ में से निचल का ग्राफ क्या करेंगे, घटाएंगे, इसका फुल कंसेप्ट अभी बताए कि इसमें से इसको क्या करना होगा, घटाना होगा, इसको सॉल्व किए आंसर निकल के आ गया। और इसी प्रकार से आपके पास जितना क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलिए तो अगला जो है वीडियो में फिर मिलेंगे, अगला क्लास में आपको बताएंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, और एनसीईआरटी के जो है सभी सॉल्यूशन को बताएंगे, 8.2 है एनसीईआरटी 8.2, जिसका पूरा सॉल्यूशन जो है बताऊंगा। अभी जो है आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, और यदि समझ में नहीं आए तो फिर से रिपीट करके वीडियो को देख लीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।